पानीपत में आज विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत के आरोप में लघु सचिवालय के एक रीडर और कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर के मुताबिक सुरेंद्र नामक एक शख्स ने 751 के एक केस में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद यह छापेमारी की गई। इसमें रीडर ने जगबीर सिंह 1500 रुपए की रिश्वत ली थी और वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक ने 200 रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में पहले से ही शिकायत दी गई थी, किसी केस में ये दोनों आरोपी रिश्वत मांग रहे थे। इसके बाद विजिलेंस टीम ने आज सुबह जल्दी ही छापेमारी की और आरोपियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और एक लीडर साहब थे, इसके डीआरओ साहब थे, ये 8 तारीख को मेरे से पैसे मंगाते थे, परेशान कर रहे थे, बोलते ना पैसे होंगे पूरा पूरा दिन बिठा कर, इसलिए जी गति दुखी होगा, कदम उठाना पड़ा जी। पहले अब तक कितने पैसे दे चुके उनको और अब कितनी डिमांड करी थी? कितने? अब जी ने 2000 की डिमांड करी थी, फिर 1700 में ही मानने लगे जी। तो इससे पहले कितने पैसे दे चुके? इससे पहले मैं जी 5000 रुपये दे चुका उनको। हर तारीख पे कितने पैसे लेते थे? 1000, 1200, 700, 900 ले लेते थे। कितने महीने से क्या केस था? 2 साथी का केस चला जी, हमारे परिवार का आपस में दरखास्त हो रही थी जी, घर का भी रोड़ा हमारा भाई भाई होगा, तो उसके उस मामले का जी हमारा साथी का मुकदमा था। ये एक सुरेंद्र सिंह मुदई थे सुथाणा के, उन्होंने एक कंप्लेंट की थी कि मेरे कोई झगड़ा हुआ था भाइयों का आपस में, 157 में वो केस लगा हुआ था वहाँ, तो बार बार तारीख पे जाते थे, परेशान होते थे और वो कहते थे कि हर बार पैसे मांगते हैं। तो आज भी इसकी तारीख लग गई थी, तो ये अप्लीकेशन दरख्वास्त लेकर हमारे पास आया कि मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने फिर डीसी साहब से, एडीसी साहब से मिलके ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाया, अपना ये श्री जसविंदर सिंह है मांगर साहब, अपने सीओ डिप्टी सीओ उनको लगवाया ड्यूटी मजिस्ट्रेट, और सेट ऑफ विटनेस जो है रखे हम, और एक टीम तैयार करी, तो टीम लेके फिर हम वहाँ ऑफिस में डी आर ओ के कोर्ट में, तो वहाँ पर इन्हें सुरेंद्र ने जो शिकायतकर्ता ने इनको पैसे दिए, जो अपना ऑपरेटर था उसको 1500 रुपये दे दिए और जो रीडर था उसको 200 रुपये, तो उसी टाइम हमने रेड मारी तो उनके काम कर रहे थे। किन धारा में केस दर्ज हुआ है? PC Act के अंदर केस दर्ज किया, 7 PC Act 7-13 PC Act के अंदर अरेस्ट किए। अभी केस 23 घंटे में करना होता है, लेकिन अभी थोड़ी कार्रवाई चल रही है, उसके बाद है केस करना।